साइकिल डोसा वाला। सब जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग ताजमहल देखने को आते हैं। उसी तरह ताजमहल देखने आ रहे टूरिस्ट के भरोसे वहां पर कई स्ट्रीट फूड बेचने वाले रहते हैं। उनमें से एक है अपना साइकिल डोसा वाला, उसका नाम रजनी है। रजनी की खासियत ये थी कि वो बहुत मेहनत से ताजमहल के शेप में डोसा बनाता था। उसके साथ 4 किस्म की चटनी डालकर उसकी पत्नी रोजा लोगों को खिलाती थी। वे दोनों हाथों में दस्ताने पहने और चेहरे पर मास्क पहनकर काफी सफाई का ध्यान रखते थे, इसलिए अपने देशवासी ही नहीं विदेशी भी उसके साइकिल के सामने लाइन लगाए खड़े रहते थे। उसके डोसा खाने के लिए बहुत सब्र से प्रतीक्षा भी करते थे। उस ताजमहल डोसा के साथ लोग सेल्फी भी लेते थे। रजनी के डोसा साइकिल जहाँ खड़ी थी वहाँ सामने ही एक होटल था। उस होटल का मालिक शुक्ला रजनी को देखकर खूब जलता था। एक दिन शुक्ला रजनी के साइकिल के पास आकर, क्यों रे, इतना बड़ा होटल बनाकर इतने पैसे इन्वेस्ट करके 10 नौकरों को रखकर भी मुझे घाटा हो रहा है, लाभ बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी ही वजह से है। तुम चुपचाप अपना साइकिल लेकर मेरे होटल के सामने से हट जाओ, वरना तेरा नाश कर दूंगा। सर, मैं आप जैसा अमीर तो हूँ नहीं, मैं बड़ी मेहनत से एक छोटा सा धंधा कर रहा हूँ। लोगों को इस जगह की आदत हो गई है सर, मैं अब यदि यहाँ से जगह बदलूँ तो मेरा धंधा मार खाएगा, इसलिए आप चाहे जितनी मर्जी धमकी दें, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वैसे शुक्ला जी, धंधों में मुकाबला तो ठीक है, आप भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर सफाई बनाए रखें तो आपके पास भी लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे। काम में ध्यान दें सर, यूं धमकाने से कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझा रहे हो, मैं तुम्हें देख लूंगा, कहकर चला गया। उस दिन रात को रजनी और रोजा साइकिल को धकेलते हुए घर लौट रहे थे कि शुक्ला के भेजे हुए गुंडों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला किया। रजनी को डंडे से पीटने लगे। अरे बचाओ बचाओ, अरे मेरे पति को कोई बचाओ, अरे कोई उन्हें रोको, अरे रुक जाओ कमीनो, कहकर उन्हें धक्का दे रही थी। पर जब तक रजनी बेहोश होकर नहीं गिरा तब तक वो पीटते रहे, बाद में चले गए। अगले दिन जब रजनी की साइकिल उसके होटल के सामने नजर नहीं आई तो शुक्ला, अब कभी वो नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसा सोचा। तभी रजनी हाथों में और सिर पर पट्टी बांधे हुए वहाँ आया। फिर से ताजमहल डोसा बनाने लगा। उसे देखकर शुक्ला, मार खाकर भी इसको अकल नहीं आई, इसे कल ही मार डालना होगा, ऐसा सोचा। ठीक उसी रात को किसी बीमारी के कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की। ताजमहल को बंद करना पड़ा, उसके सामने स्थित सारे होटल भी बंद हो गए। कुछ दिनों बाद रजनी अपने डोसा साइकिल को लेकर आगरा की गलियों में आया। चेक पोस्ट के पास पुलिस ने उसे रोका। क्यों, तुम नहीं जानते कि देश भर में खाने का बिजनेस सबने बंद कर दिया है, किसी को भी खाने के पदार्थ को बेचने की अनुमति नहीं है। चुपचाप घर चले जाओ वरना तुम्हें अरेस्ट कर दूंगा। सर, मैं ताजमहल के भरोसे 10 साल जीता रहा, अब मुझे पैसों की कमी नहीं है सर, पर इस शहर में बहुत सारे बैचलर्स हैं, वो दिन रात रोटी और चावल खा रहे हैं सर, पर उन्हें नाश्ता नहीं मिलता है तो बेचारे बहुत परेशान है। मैं सोचता हूँ कि उन्हें फ्री में मैं डोसा खिलाऊं। ताजमहल के बंद होने के कारण हमारे शहर के लोगों के मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है सर, मैं समझता हूँ कि मेरे इस ताजमहल डोसा को खाकर वो थोड़ा बहुत तो शांत हो जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तब साथ खड़ा कांस्टेबल, सर ये इस बीमारी के फैलने से पहले से ही ग्लव्स और मास्क पहनता था, मुझे यकीन है कि अब और ज्यादा ध्यान देगा, एक बार उसका डोसा खाइए फिर फैसला कीजिए। रजनी ने एसआई को ताजमहल डोसा बनाकर दिया। एसआई ने उसे खाकर, इस संकट के समय तुम जैसों को रोकना ठीक नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, अब इस शहर के पुलिस तुम्हें नहीं रोकेगी, जाओ। रजनी बैचलर्स को जाकर फ्री डोसा देने लगा, यूं ही मजदूरों को भी वो डोसा देने लगा।
एक दिन शुक्ला अपनी पत्नी से, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी असमर्थता और बुरी आदतों के कारण धंधे को संभाल नहीं पाया मैं, ऊपर से ये बीमारी आई, एक और साल लग जाएगा टूरिस्ट के आते आते, अब हमारे पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तब रजनी उनके घर आया। रजनी शुक्ला से, सर मुझे आपकी परिस्थिति के बारे में पता चला, ये लीजिए 1,00,000 रुपए रख लीजिए, मुझसे जो बन पड़ा मैं कर रहा हूँ सर, मुझसे लेने के लिए आप संकोच ना करें, मुसीबत में आदमी ही आदमी के काम आता है, कहकर पैसे दिए। शुक्ला की आंखें भर आईं और रजनी को गले लगा लिया। एक साल बाद शुक्ला का धंधा चल पड़ा। रजनी का साइकिल डोसा का बिजनेस भी खूब चल रहा था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विलेज बुल एम्बुलेंस। एक दिन एक गांव में एक नेता भाषण दे रहा था, उसका नाम था फेकूलाल। मेरे प्यारे गांव वालों, इस देश को आजादी मिले 70 साल हो गए हैं, पर अपने गांव में अब तक आजादी नहीं मिली है। विद्या और वैद्य के क्षेत्र में अपना गांव अभी भी पिछड़ा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। ना एक अच्छा स्कूल है, ना ही एक अच्छा अस्पताल, ना बिजली ना पानी, यूं गिनने लगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे इस हाल के जिम्मेदार वो नेताएं हैं जिन्हें आपने वोट देकर जिताया था, इसलिए इस बार मैं खुद एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है? कुत्ता। यानी आपने यदि मुझे वोट देकर जिताया तो मैं कुत्ते की तरह आपकी सेवा करूँगा। मेरे जीतने के अगले ही पल एक नया स्कूल के लिए निधि की मंजूरी ले आऊंगा, अस्पताल के लिए नया एम्बुलेंस ले आऊंगा। इलेक्शन से एक दिन पहले आप सबको 1500 प्रति व्यक्ति गूगल पे करूंगा। भगवान की सौगंध, पैसे मिले तो ही आप वोट देना, यूं कहने लगा। ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। इलेक्शन से एक दिन पहले सब बड़ी उम्मीद से अपना मोबाइल देखने लगे। सबको 1500 मिले तो सब खुश होकर नाचने लगे। चुनाव वाले दिन सबने लाइन में खड़े होकर उसे वोट डाला। वो बंपर मेजॉरिटी के साथ जीत गया तो गांव वालों ने उसे जीप में बिठाकर उसका जुलूस निकाला। एक दिन उस गांव के अस्पताल में एक डॉक्टर ने एक बूढ़े की जांच की और उसके बेटे से, सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा, उनके दिल में स्टेंट डालना होगा, नहीं तो जान का खतरा है। एम्बुलेंस तैयार करो। ए ड्राइवर, एम्बुलेंस निकालो। डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस कल रात को खराब हो गया। मैकेनिक ने आकर देखा और कहा कि रिपेयर के लिए 5,000 रुपए खर्च होंगे। मैंने महकमे वालों को सूचित कर दिया है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। What nonsense is this? तुम्हारा ये एम्बुलेंस कितनी बार रिपेयर होगा? नए एम्बुलेंस के लिए कितने रिक्वेस्ट भेजे, पर कोई परवाह नहीं करता। धत, ऐसे हालात में काम करना मेरी बदनसीबी है, उसने सोचा। फिर बेचारे बूढ़े को ऑटो में ले जाया गया। शहर के डॉक्टरों ने बूढ़े का जांच किया और आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, थोड़ी जल्दी पहुंचते तो अच्छा होता, आने में देर कर दी, आई एम वेरी सॉरी कहकर चला गया। ये सुनकर बूढ़े के रिश्तेदारों ने बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। अगले दिन गांव वाले फेकूलाल से मिले और उसे सब बताया। ये क्या हो गया? एम्बुलेंस को रोकने के लिए विरोधी दल षड्यंत्र कर रहे हैं। बहुत जल्द मीडिया वालों को अस्पताल के पास बुलाकर उनको संबोधित करूंगा। उनके जाने के बाद फेकूलाल का असिस्टेंट लड्डू, सर क्या वाकई एम्बुलेंस को आने में कोई रोक रहा है? अरे पगले, क्या इन लोगों ने ईमानदारी से वोट डाला था? इन लोगों ने 1500 में अपना वोट बेचा है, इन्हें यदि सारी सहूलियतें पहुंचा दी गई तो हमारी बात कौन सुनेंगे? उन्हें वैसा रखा तभी हम ऐसे होंगे। कई दिन बीत जाने पर भी जब एम्बुलेंस नहीं आया तो गांव वालों ने मिलकर एक बैलगाड़ी वाला एम्बुलेंस तैयार किया। कोई भी सीरियस होता तो मरीज को उसी पर शहर लेके जाने लगे। एक दिन फेकूलाल प्रेस वालों को बुलाकर अस्पताल के पास आया। वहाँ किसी ने कूल ड्रिंक दिया तो उसे इसने पिया। बाद में मीडिया वालों से, सबको नमस्कार, देख रहे हैं इस अस्पताल की हालत, यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं है,
वो देखिए उस बैलगाड़ी को ही एम्बुलेंस बनाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे विरोधी दल वाले। इस गांव में नए एम्बुलेंस को आने से रोकने वाले वही हैं। इस गाड़ी में शहर जाना कितना मुश्किल है ये दिखाने ही मैं आप सबको यहाँ पे बुलाया है। मैं इसमें मरीज बनकर जाता हूँ, आप मेरे साथ चलें और इसका पूरा विवरण आप दें। यूं वो उस गाड़ी में बैठकर जाने लगा तो मीडिया वाले बाइक और गाड़ियों में उसका वीडियो लेते हुए पीछा करने लगे। गांव वाले भी साथ हो लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद बेकुलाल के पेट में गुड़गुड़ होने लगा। अरे लड्डू ये क्या? अरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अरे जब से वो कूल ड्रिंक पिया है पेट ठीक नहीं है। गाड़ी रोको, मैं झाड़ियों में जाकर आता हूँ। क्या बात करते हैं सर, पीछे मीडिया वाले वीडियो निकाल रहे हैं। आपका झाड़ियों में जाना बैठना सब वीडियो लेकर टीवी में डालेंगे, आपकी इज्जत चली जाएगी। सोच लीजिए, जरा रुकिए, जरा सब्र कीजिए। अरे ए माँ बापू, अरे मुझसे नहीं होगा, अरे लगता है यही हो जाएगा। अरे गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, कहकर चिल्लाया। गाड़ी के रुकते ही दौड़ कर गया और झाड़ियों के बीच में बैठ गया। मीडिया वाले भी कैमरा के साथ उसका पीछा करने लगे। वो झाड़ियों के बीच में जाकर बैठा और सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा था। मीडिया वाले कैमरा के साथ उसे घेर कर खड़े हो गए। क्या हुआ सर, यूं अचानक झाड़ियों में छिपकर बैठ गए? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ यार। अरे वीडियो निकालना थोड़ी देर के लिए बंद करो प्लीज। देख रहे हैं आप, हमारे नेता फेकू लाल जी प्रकृति का आनंद कैसे उठा रहे हैं, उनसे ही जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। बताइए सर कैसा लग रहा है आपको? फेकू लाल उठकर वहां से भाग गया। इसके बाद फेकू लाल ने उस गांव के लिए एक नए एम्बुलेंस की मंजूरी दे दी। तब से बीमार एम्बुलेंस का प्रयोग करके जल्दी से ठीक होने लगे।